हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कॉमर्स स्टेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आप सभी को क्या कराने वाली हूँ बच्चों, तो मैं आज आप सभी को PYQ कराने वाली हूँ, पॉलिटिकल साइंस का, जो कि आपके किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा क्या है, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपको किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेना है, तो ये जो सीरीज है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट होगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस की क्वेश्चन का किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं हमारे स्टेट यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में। पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैज राइट टू एड्रेस द नेशन। मतलब हमारे यहाँ पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है, नॉन पार्लियामेंट मेंबर है, लेकिन उसे हमारे यहाँ राइट टू एड्रेस का क्या है, तो मतलब उसे पावर है। तो वो अगर हमारे पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होते हुए भी उसे ये पावर है, तो वो कौन है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिडेटरी जनरल ऑफ इंडिया, कमिश्नर जनरल ऑफ इंडिया, या चीफ ऑफ इलेक्शन कमीशन? कौन है बच्चों? तो दैट इज आवर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, विच इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर पार्लियामेंट मेंबर्स। द फर्स्ट एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया वॉज, मतलब हमारे के यहाँ पहले और लास्ट गवर्नर जनरल इंडिया के कौन बने? उसके बाद हमारे के यहाँ जो ये पद था उसको हटा दिया गया, और उसके बाद इस पद को गवर्नर के पद को कर दिया गया। तो हमारे के यहाँ लास्ट गवर्नर जनरल कौन बने थे? सी गोपालाचारी, लॉर्ड एटली, लॉर्ड मेल्ट्रॉन, या लॉर्ड माउंटबेटन। तो हमारे यहाँ के जो लास्ट गवर्नर जनरल बने थे बच्चों, वो सी गोपालाचारी बने थे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज फ्रेम्ड बाई, मतलब हमारे यहाँ इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको फ्रेम करने वाले इंसान कौन है? जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया, या फिर भीमराव अंबेडकर? तो हमारे के यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फ्रेम करने वाले आपके कौन है? तो वो हमारे द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया है। मतलब उसने ही सबसे पहले सुझाव, पहले क्या हुआ था, पहले हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना, उसके बाद हमारे यहाँ ये ड्राफ्टिंग कमिटी बनी। तो इसका सुझाव सबसे पहले हमारे यहाँ किसने लाया, इसको फ्रेम करने के लिए किसने लाया? तो वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के माइंड में आया, फिर उन्होंने एक कमिटी की गठन की, फिर वो क्या करने लगा, तो हमारे यहाँ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना शुरू कर दिया। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज सेटअप इन जुलाई 1948, अगस्त 1948, जुलाई 1946, या जनवरी 1949? तो हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का सेटअप कब किया गया था? तो हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की सेटअप कब की गई थी बच्चों? तो हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो सेटअप थी बच्चों, वो जुलाई 1946 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? जब हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना बच्चों, तो उस समय हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के प्रेसिडेंट कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, या मौलाना आजाद? तो ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है बच्चों। जब हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी, तो उस समय हमारे जो प्रेसिडेंट थे बच्चों, वो हमारे यहाँ जवाहरलाल नेहरू थे। द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल क्या बोलता है बच्चों? तो अ पार्ट ऑफ आवर, तो जो हमारे यहाँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है वो क्या है? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है बच्चों वो क्या है? तो वो इंडिया का प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है। तो द प्रियम्बल ऑफ इंडिया इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन विच कैन गिव द आवर कॉन्स्टिट्यूशन शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। द प्रोसीड्योर ऑफ अमेंडिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिस्क्राइब इन आर्टिकल, मतलब हमारे यहाँ जितने प्रोसीड्योर हैं अमेंडमेंट के वो किस आर्टिकल के तहत आते हैं? 74, 368, 370, या नन ऑफ दिस? तो ये सारे जो प्रोड्यूसर हैं अमेंडमेंट के, कि अमेंडमेंट कैसे होगा, कैसे चीज़ें चेंज होंगी, ये आर्टिकल हमारे 368 में लिखा हुआ है। वट टाइप ऑफ सिटीजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड, मतलब इंडिया में किस टाइप का सिटीजनशिप दिया जाता है?
मैंने आपको आर्टिकल 5 to 11 जब पढ़ाया था तो उसमें आप सभी को बताया था कि इंडिया में किस टाइप के सिटीजनशिप्स दिए जाते हैं, मतलब कैसे हमारे के यहाँ हम बोलेंगे कि आप इंडिया के सिटीजन हैं। पहला, इंडिया के नागरिक होने चाहिए। दूसरा, आप क्या नहीं होने चाहिए, तो आपके माता पिता, अगर आपको इंडिया की नागरिकता चाहिए तो आपके माता पिता में से किसी एक का जन्म इंडिया में होना चाहिए तो आपको नागरिकता मिल सकती है। तीसरा, आपका क्या होना चाहिए, तो आप आज़ादी के पहले हमारे के यहाँ आए हुए रहेंगे तो उन्हें भी हमें सिटीजनशिप मिल जाएंगे, या फिर अगर आप आज़ादी के बाद 6 महीने के बाद इंडिया में कोई गैर कानूनी काम में नहीं पकड़े जाते हैं तब भी इंडिया की सिटीजनशिप मिल सकती है। तो इंडिया के सिटीजनशिप मिलने के पीछे, उसके बाद अगर आप किसी और देश के सिटीजनशिप लिए हुए हैं तब हमारे के यहाँ के सिटीजनशिप को क्या होगा, खत्म कर दिया जाएगा। तो क्या बोल रहा है, व्हाट टाइप ऑफ सिटीजनशिप प्रोवाइड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ड्यूअल ड्यूअल सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप, बोथ ऑफ देम, या नन ऑफ दिस? तो हमारे के यहाँ इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन थी वो सिंगल सिटीजनशिप प्रोवाइड करती है। सरकारिया कमीशन वाज अपॉइंटमेंट फॉर, जो हमारे के यहाँ सरकारिया कमीशन थी उसका अपॉइंटमेंट क्यों किया गया था बच्चों? रिव्यू द सेंट्रल स्टेट रिलेशन, या इंक्वायरी टू द कॉम्युनल डिस्टर्बेंस इन दिल्ली इन 1984, या सॉल्व बाउंड्री कंफ्लिक्ट बिटवीन महाराष्ट्र एंड कर्नाटक, या सजेस्ट द सॉल्यूशन फॉर पंजाब प्रॉब्लम? तो हमारे के यहाँ जो सरकारिया कमीशन था उसका गठन इसलिए किया गया था ताकि वो सेंट्रल और स्टेट के बीच में जो रिलेशन है उसको अच्छे से क्या कर सके, तो सेंट्रल और स्टेट के रिलेशन को अच्छे से समझ सके, उसके बारे में और अच्छे रिलेशन बनाने का रिव्यू दे सके। तो सरकारिया कमीशन का अपॉइंटमेंट इसी के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एंटी डिफ्लेशन बिल केम इनटू द फोर्स बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट? मतलब हमारे यहाँ जो एंटी डिफ्लेशन बिल है वो किस अमेंडमेंट के तहत ज्वाइन किया गया है? ऑप्शंस क्या रहे, 42, 47, 52, 57? तो ये जो बिल है बच्चों वो हमारे के यहाँ 42 अमेंडमेंट के तहत क्या किया गया है, 42 अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेसिड्यूसरी पावर लाइज बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, बोथ ऑफ देम, या नॉन स्पेसिफाइड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो रेसिड्यूसरी पावर जो है वो किसके अंडर में आती है, तो वो हमारे यूनियन गवर्नमेंट के अंदर में आती है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में आती है, या फिर आपके बोथ ऑफ देम के अंदर में आती है। तो जो रेसिड्यूसर पावर है बच्चों वो हमारे के यहाँ स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज, आर्टिकल 1 जो है वो क्या डिस्क्राइब करता है, फेडरल स्टेट, यूनियन स्टेट, यूनिटरी सिस्टम, या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट? तो जो आर्टिकल 1 है बच्चों वो हमारे के यहाँ क्या डिस्क्राइब करता है, वो डिस्क्राइब ये करता है कि इंडिया इंडिया इज अ यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, मतलब इंडिया एक यूनियन स्टेट है, ना कि वो एक फेडरल स्टेट को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। तो हमारे के यहाँ आर्टिकल 1 में यही लिखा हुआ है कि इंडिया इज अ यूनियन, मतलब इंडिया एक संघ है। द गवर्नर डज नॉट अपॉइंट, मतलब हमारे गवर्नर किसे अपॉइंट नहीं कर सकते हैं, द जज ऑफ हाई कोर्ट, स्टेट लेजिस्लेटिव, चेयरमैन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, या एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट? तो हमारे के यहाँ के जो हाई जो आपके गवर्नर है बच्चों वो हमारे के यहाँ हाई कोर्ट के जजों का नियुक्ति नहीं कर सकते हैं। Which article of the Constitution provide the freedom to manage the religious affair? मतलब किस आर्टिकल में हमें धर्म धर्म की स्वतंत्रता है, मतलब हम लोग अपने स्वेच्छा के अनुसार किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, उसके बारे में पढ़ सकते हैं, उसके बारे में लोगों में उपदेश फैला सकते हैं विदाउट एनी वॉयलेंस, तो ये किस आर्टिकल के अंडर में आते हैं, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27, या आर्टिकल 28? तो हमें धर्म की जो स्वतंत्रता है वो बच्चों वो हमें आर्टिकल 26 में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी फंडामेंटल्स राइट्स, जो हम अगर हमारे क्या इमरजेंसी लगा हुआ है तो हमारे फंडामेंटल राइट्स को क्या किया जाता है, सस्पेंड, कैन बी सस्पेंडेड इफ द सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड सीज टू एक्साइड या रिमेन अनइफेक्टेड। तो जब हमारे क्या नेशनल इमरजेंसी लगता है बच्चों, तो हमारी जो फंडामेंटल राइट्स है उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। बट एक ऐसा राइट है जिसे सस्पेंड नहीं किया जाता है, और वो राइट्स कौन सा है बच्चों, वो आप लोग कमेंट कीजिए। मैं देख रही हूं, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आर्टिकल 21, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन इंडिया यूनियन इज इलेक्टेड बाय, मतलब हमारे यहाँ के जो वाइस प्रेसिडेंट है उसे कौन नियुक्त करता है, मेंबर ऑफ राज्यसभा, मेंबर ऑफ लोकसभा, मेंबर ऑफ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट या नन ऑफ दिस। तो वाइस प्रेसिडेंट का जब नियुक्ति होता है बच्चों, तो उस समय लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लोग वोट मिलकर देते हैं। तो ये मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ आवर पार्लियामेंट कैन सिलेक्ट आवर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ आवर इंडिया। Which of the following subject is not included in our union list? मतलब यूनियन लिस्ट में हम किस सब्जेक्ट को ऐड नहीं कर सकते हैं, डिफेंस, फॉरेन अफेयर, लॉ एंड ऑर्डर या नन ऑफ दिस। तो यूनियन लिस्ट में हम लोग लॉ एंड ऑर्डर को नहीं शामिल कर सकते, क्योंकि दिस सब्जेक्ट इज कम्स अंडर द स्टेट लिस्ट, बिकॉज एवरी स्टेट हैज इट्स ओन लॉ एंड ऑर्डर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग द इमरजेंसी इन एनी स्टेट्स, द स्टेट्स लॉ एंड ऑर्डर कैन टेक एनी 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 टाइप्स ऑफ जस्ट लाइक एनी टाइप्स ऑफ डिसीजन इन द रिगार्डिंग टू मेंटेन द साइलेंस। द फर्स्ट वर्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल इज, मतलब हमारे यहाँ जो प्रियम्बल हम लोग करते हैं, विद द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग, ऐसे करके हम लोग जो प्रियम्बल करते हैं उसमें पहला वर्ड हमारे प्रियम्बल का क्या है, तो जो पहला वर्ड है क्या है, इंडिया, पीपल, वी या सेकुलर। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो हमारा जो पहला वर्ड है बच्चों वो क्या है, तो वो वी है। द स्ट्रेंथ ऑफ जज इन द सुप्रीम कोर्ट इज, मतलब हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट में स्ट्रेंथ ज्यादा से ज्यादा कितनी स्ट्रेंथ हो सकती है जज की, 34, 26, 27, 28। तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट में 34 हो सकती है। द फर्स्ट जनरल इलेक्शन वॉज हेल्ड इन, मतलब पहली जो इलेक्शन हमारे यहाँ हेल्ड की गई थी वो कब हेल्ड की गई थी, 1947, 1952, 1955 या नन। तो पहला जो इलेक्शन था बच्चों वो हमारे यहाँ 1951 से 1952 तक चली, इसका मतलब हमारे यहाँ पहला इलेक्शन 1952 में करवाया गया है। विच कैन नॉट बी रिमूव्ड बाई इम्पीचमेंट, मतलब हम लोग महाभियोग से किस पोजिशन पे से उस पोजिशन के मेंबर को हटा नहीं सकते हैं, प्रेसिडेंट, गवर्नर, चीफ जस्टिस या इलेक्शन कमीशन। तो किसे नहीं हटा सकते हैं बच्चों, तो हम लोग इम्पीचमेंट लगा के गवर्नर को हटा नहीं सकते हैं, मतलब महाभियोग लगा के हम लोग किसी भी गवर्नर को उसके पद से नहीं हटा सकते हैं, निष्कासित नहीं कर सकते हैं। द लीगल एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज, मतलब इंडिया के गवर्नमेंट के लीगल एडवाइजर कौन होते हैं, सीएजी, अटॉर्नी जनरल, चीफ जस्टिस या नन ऑफ दिस। तो हमारे यहाँ के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उनके लीगल जो एडवाइजर होते हैं बच्चों वो कौन होते हैं, तो वो हमारे अटॉर्नी जनरल होते हैं। हाउ मेनी मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाई द प्रेसिडेंट इन राज्यसभा, मतलब कितने मेंबर्स हमारे राज्यसभा में प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, तो दैट इज इन द नंबर ऑफ 10, 12, 15 या 2। तो 12 जो लोग हैं वो हमारे यहाँ प्रेसिडेंट के द्वारा चूज किए जाते हैं, और जब प्रेसिडेंट का हमारे यहाँ चुनाव होता है तो ये 12 लोग हमारे प्रेसिडेंट के चुनाव में वोटिंग नहीं डालते हैं, और ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। मतलब अभी अगर हमारे यहाँ प्रेसिडेंट जो है उनके 12 मेंबर्स बैठेंगे, जैसे ही हमारे यहाँ प्रेसिडेंट चेंज होंगे फिर उनके 12 मेंबर्स बैठेंगे, तो ये हमारे प्रेसिडेंट के ऊपर रहता है।
मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन मेनी लोकसभा ओनली द रिकमेंडेशन ऑफ, मतलब हमारे के यहाँ जो मनी बिल है बच्चों वो हमारे के यहाँ लोकसभा से पारित होती है, लेकिन ये पारित कब की जाती है, किसके रिकमेंडेशन पे पारित की जाती है, स्पीकर, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर। अब जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारे के यहाँ का जो मनी बिल है बच्चों वो हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं, तो हमारा जो मनी बिल है वो हम लोग राज्यसभा में नहीं जाता है, तो राज्यसभा में नहीं जाता है तो ये हमारा लोकसभा में जाता है। तो ये किसके रिकमेंडेशन पे अब मनी बिल को हम लोग पारित करें, जैसे हम लोग एक फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं कि आप स्कूल जाते हैं, ठीक है, जाते हैं ना, तो स्कूल जाते हैं तो आपको ऐसा होता है ना कि आज प्रेसिडेंट के सॉरी आज प्रिंसिपल की तरफ से अलाउ हुआ है कि आज छुट्टी लंच के बाद हो जाएगी, तो हमारे जो ऑफिस में जितने वर्कर काम करते हैं वो लंच के बाद छुट्टी हमारी करा दी, तो ऑर्डर कहाँ से आया, हमारे प्रिंसिपल के तरफ से। तो इसी तरह जब हमारे के यहाँ लोकसभा में मनी बिल पास होता है तो इसका ऑर्डर हमारे के यहाँ कहाँ से आता है, तो ये हमारे के यहाँ आता है प्रेसिडेंट के पास से। तो प्रेसिडेंट के पास से हमारे के यहाँ ये होता है कि आप ऑर्डर कीजिए कि हम मनी बिल हमारे के यहाँ लोकसभा में रिकमेंडेड की जाए। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रिपेयर्ड इन, मतलब हमारे के यहाँ जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको कब प्रिपेयर किया जा, मतलब कितने दिन में प्रिपेयर किया गया था, 2 years 6 months, 2 years 11 months 18 days, 3 years 6 months 8 days या none of this। तो हमारे क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे, और ये आप लोग रट जाइए। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेड डाउन ऑन 26 जनवरी 1947, 9 दिसंबर 1946, 6 नवंबर 1949 या 26 जनवरी 1950। तो हमारे के यहाँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कब अडॉप्ट किया गया, तो हमारे के यहाँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया 26 जनवरी 1950 को। एमिस्टी और जनरल पार्डन इज गिवन बाय, मतलब हम लोग अगर किसी को क्षमा याचना दे सकते हैं, तो ये पावर किसके पास हमारे क्या होती है, गवर्नर के पास, प्राइम मिनिस्टर के पास, प्रेसिडेंट के पास या चीफ जस्टिस के पास। तो मैंने आप सभी को बताया था कि अगर आपको सजाए मौत दे दी गई है और प्रेसिडेंट के पास आप लोगों ने लेटर लिखा, तो वहां पे हमारे प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो आपके फांसी को सजा को रोक के वो उम्र कैद में बदल सकता है। तो पार्डन मतलब क्षमा याचना देने की जो आपका क्या है, तो क्षमा याचना देने की जो पावर है बच्चों वो हमारे के यहाँ प्रेसिडेंट के पास है। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी इन इंडिया, जिला पंचायत, नगर पंचायत, ग्राम सभा या केहतर पंचायत। तो हमारे के यहाँ डायरेक्ट डेमोक्रेसी का जो एग्जाम्पल है बच्चों वो ग्राम सभा है। पंचायती राज सिस्टम हैज अ इंटरमीडिएट टायर नोन एज, मतलब पंचायती राज सिस्टम एक टायर के रूप में काम करता है, किसके किसके बीच में, तो ग्राम पंचायत, जिला पार्षद, सरपंच पंचायत या पंच समिति। तो ये एक टायर, इंटरमीडिएट टायर के बीच में काम करता है, और इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो पंचायत समिति के नाम से भी जानते हैं। हु इज द हेड ऑफ आवर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, मतलब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हेड कौन होते हैं, सरपंच, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर या मेयर। तो म्युनिसिपल जो कॉरपोरेशन होता है बच्चों उसके हेड आपके मेयर होते हैं, दिल्ली वली में मेयर रहता है। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स क्या होता है, पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना, तो इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना। अब ऑप्शंस क्या हुए, यूनियन गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट। तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इट मीन्स डैट आवर लोकल गवर्नमेंट, मतलब एक के पास पावर ना हो के पावर बहुत सारे पार्टों में बांट दिया करना, दैट मीन्स डिसेंट्रलाइजेशन। द राइट टू वोट इन इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट इज लीगल राइट, फंडामेंटल राइट, नेचुरल राइट या कॉन्स्टिट्यूएंसली राइट। तो हमारे क्या राइट टू वोट पार्लियामेंट के अंडर में किसके अंडर आता है, तो दैट इज इन द कम अंडर द लीगल वोट, इसी वोट के अकॉर्डिंग हमारे के यहाँ सारे लोगों का चुनाव होता है। लिबर्टी कंसिस्ट इन ऑबिडेंस टू द जनरल विल, हु स्टेटमेंट इज हॉब्स, रूशो, ग्रीन, लास्किन। तो दैट इज स्टेटमेंट गिवन बाय द राउसो।
हुज स्टेटमेंट इज मैन इज बॉर्न फ्री बट ऑलवेज इन शैकल, मतलब वो जिंदा होता है फ्री बट वो हमेशा बंधनों से बंधा हुआ होता है। और ये स्टेटमेंट हमारे यहाँ कौन किसने दिया है, तो ये रोसियो ने दिया है। मैन इज अ सोशल एनिमल, और ये स्टेटमेंट किसने दिया है, तो एरिस्टो ने दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग असर्टेड लिबर्टी एंड फ्रीडम, डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन या नेशनलाइजेशन? तो लिबर्टी एंड फ्रीडम दैट कम्स इन आवर सेंट्रलाइजेशन। इन विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रिसाइड रूल द नेम ऑफ गॉड, दैट इज कम इन द थियोक्रेसी। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये आपका 50 क्वेश्चन का एक और सीरीज रहा बच्चों, जो कि आपके किसी भी, मतलब किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ज़्यादा ही बेनिफिशियल है। अगर आप चाहते हैं कि ग्रेजुएशन हम किससे करें, तो ग्रेजुएशन हम लोग करें पॉलिटिकल साइंस पे। तो ये जितना जो सीरीज आपको दिया जा रहा है हमारे कॉमर्स नेशन की तरफ से, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आप किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी को इजिली टैकल कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी आपके ऐप पे जितनी क्लासेस हुई हैं, उससे एक भी क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछा गया, सारे क्वेश्चंस उसी से अकॉर्डिंग है। तो जिन्होंने अच्छे से ऐप की क्लासेस की होंगी, उनके लिए ये सीरीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, और उनको ये सीरीज़ बनाने में बहुत मज़ा भी आ रहा होगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन वहाँ पर करवाए हुए हैं। तो बाकी ऐसे ही सीरीज के लिए हमारे कॉमर्स नेशन के साथ जुड़े रहिए। चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, और पढ़ते रहिए। हैव अ गुड डे बच्चों, स्वस्थ रहिए। सी यू टुमारो।